हमारे भारत में सुंदर जगहें तो बहुत सारी मिलती हैं, पर हमारे भारत में कुछ ऐसे रहस्यमयी जगहें भी मौजूद हैं जिनके बारे में जानकर आपको हैरानी हो सकती है। जी हाँ, कुछ परग्रही प्राणियों के कारण और कुछ भटकती आत्माओं के कारण इन सभी जगहों को रहस्यमयी या मिस्टीरियस माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के कुछ ऐसे ही रहस्यमयी जगहों के बारे में, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखिए। हिमालय में रहते हैं हिममानव। वैसे तो हिमालय को लेकर दुनिया में रहस्यमयी घटनाओं की कमी नहीं है, पर सबसे प्रमुख हिमालय के हिममानव या यति सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। कहा जाता है कि हिमालय के गुफाओं में आज भी हिममानव रहते हैं। हिममानव जिसका रंग रूप तो बंदरों की तरह होता है, पर वे इंसानों की तरह दो पैरों में चल सकते हैं और इंसानों के मुकाबले बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। हिममानव से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं, इसके ऊपर कई सारे मूवी भी बन चुकी हैं और पौराणिक ग्रंथों में भी हिममानव की अस्तित्व पाई जाती हैं। दुनिया भर में UFO देखे जाने के अलावा और जिसको देखे जाने के सबसे ज्यादा दावे किए जाते हैं वो है हिममानव या यति। सन 2019 में इंडियन आर्मी के जन सूचना विभाग की तरफ से 3 तस्वीरें जारी किए गए थे और बताया गया था कि ये यति के फुटप्रिंट्स हो सकते हैं। यति नाम से मशहूर इस जीप को देखने का दावा अब तक कई लोगों ने किया है, लेकिन अब इंडियन आर्मी के दावे के बाद इस रहस्य से पर्दा उठता नजर आ रहा है। कट्टायम इदुकी केरला। दक्षिण भारत के केरला में स्थित कट्टायम और इदुकी शहर में एक रहस्यमयी घटना हुई थी जिसे खून की बारिश कहा गया। बाद में इसे द रेड रेन ऑफ केरला के नाम से जाना गया। द रेड रेन ऑफ केरला दुनिया के सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। सन 2001 जुलाई 5 दोपहर के समय में अचानक से ही बारिश शुरू हुआ, जिसे देखकर स्थानीय लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि ये कोई साधारण बारिश नहीं था, यह था लाल रंग की बारिश। इस लाल बारिश के रहस्य अब तक सामने नहीं आया है। वैज्ञानिक इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि यह लाल रंग की बारिश क्यों हुई। स्थानीय लोगों का मानना था कि यह बारिश खून की बारिश थी, यानी आसमान से बरसता खून। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि वो खून था या कुछ और। कुछ लोग इसे दुनिया के अंत का इशारा भी मानने लगे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर जरूर ही विज्ञान को चुनौती देने वाली घटना है ये। कोंगाला पास, लद्दाख। भारत और चीन की सीमाओं को लेकर अक्सर विवाद की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसी ही एक जगह है कोंगाला पास। भारत और चीन दोनों ही इस जगह पर दावा करते हैं। ये जगह पूरी तरह से निर्जन पड़ा हुआ है और बीते कुछ सालों में यहाँ उड़न तस्तरी जैसी चीजों को देखा गया है। यह जगह पूरी तरह से दुर्गम पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसीलिए इस बात की पुष्टि साइंटिस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये उड़न तस्तरी है या कुछ और। दरअसल कोंगाला पास के जमीन या क्रस्ट बाकी जगहों के मुकाबले दुगना मोटा है। ऐसा तब होता है जब पृथ्वी के दो टेक्टोनिक प्लेट एक के नीचे दब जाए। स्थानीय लोगों का मानना है कि कोंगाला पास के नीचे एक एलियन बेस है जहां से कई बार UFO को निकलते देखा गया है। उनका यह भी कहना है कि दोनों देशों के सरकारों को ये बात पता है और वो इस बात को आम लोगों से छुपा रहे हैं। 2006 में कोंगाला पास के एरिया का सैटेलाइट इमेज लिया गया जिसमें मिलिट्री बेस जैसी चीजों को साफ साफ देखा गया, लेकिन दोनों ही देशों ने यहां जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ट्विंस विलेज। इंसान कुदरत की अनमोल रचना है, लेकिन कई बार कुदरत दो इंसानों को एक ही जैसी शक्ल और सूरत बख्शती है। दुनिया भर में ऐसे जुड़वे पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप ऐसी जगह जानते हैं जहां एक साथ 500 से ज्यादा जुड़वे रहते हो? दक्षिण भारत के केरला में स्थित कोधिनी गांव को ट्विंस विलेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर 500 से भी ज्यादा जुड़वे बच्चे पाए जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार जुड़वे बच्चों का सिलसिला कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। और तो और इस गांव के लड़कियों का जहां पर भी शादी होता है उनको भी जुड़वे बच्चे होते हैं। सामान्य रूप से भारत में हर 1000 बच्चों में 4 ही जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कोधिनी गांव में हर 1000 बच्चों में
45% जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं। कुछ डॉक्टरों के अनुसार कोधिनी में इतने जुड़वे बच्चे पैदा होने का रीजन कोधिनी एरिया के पानी में मौजूद केमिकल। लेकिन एक्चुअल वजह क्या है यह आज तक किसी को नहीं पता और आज तक यह एक रहस्य बना हुआ है। जतिंगा, आसाम। आज तक आपने इंसानों को आत्महत्या करते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी पक्षियों को सुसाइड करते देखा है? भारत में एक ऐसी जगह है जहां पक्षी आत्महत्या करने आते हैं। जतिंगा भारत के उत्तर पूर्व में एक छोटा सा गांव है जो कि आसाम के कस्यूरी जिले में स्थित है, और इस गांव में हर साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में पक्षी आत्महत्या करने आते हैं। हालांकि पक्षी आत्महत्या करने नहीं आते हैं, वास्तव में कुछ रहस्यमय कारणों के चलते वे मारे जाते हैं। स्थानीय लोग इसे भूत और रहस्यमय ताकतों से जुड़ा हुआ बताते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जतिंगा गहरी घाटियों में बसा होने के कारण जब यहाँ तेज बारिश होती है और पक्षी यहाँ से उड़ने की कोशिश करते हैं तब वे पूरी तरह गीले हो जाते हैं और उनको उड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ तेज हवाओं के कारण उनका संतुलन बिगड़ जाता है और पेड़ों से टकराकर वे मारे जाते हैं। लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने के कारण यह जगह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कुलधरा, राजस्थान। कुलधरा, जिसे भटकती आत्माओं का घर भी कहा जाता है, यह गांव जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पर इस गांव में सन 1800 के बाद कोई भी नहीं रहता। कहते हैं कि कुलधरा गांव को सन 1251 में पालीबाल समाज के पंडितों ने बसाए थे। करीब 8 सदियों तक ये गांव और आसपास के 83 गांव खूब फलते फूलते रहे। 1825, यही वो साल था जब पालीबाल समाज के 5000 से भी अधिक लोगों ने रातों रात इस गांव को खाली करने का फैसला किया था। दरअसल इस गांव के मुखिया की एक 18 साल की बेटी थी जिसे रियासत का एक मंत्री सलीम सिंह शादी करना चाहता था, पर लड़की के परिवार लोगों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, जिसे सलीम सिंह ने गांव में भारी कर लागू करते हुए गांव को बर्बाद कर देने की धमकी दी। बेटी की इज्जत बचाने के लिए 84 गांव के लोगों ने उसी रात को गांव खाली करने का फैसला कर लिया। ऐसी मान्यताएं हैं कि जाते हुए पालीवाल समाज के लोगों ने इस गांव को श्राप देकर गए थे। अब इस गांव में कोई नहीं रहता। वक्त के साथ इस गांव के घर अब खंडर हो चुके हैं। इस गांव के आसपास से गुजरने वाले लोग अक्सर यहां पर भूत देखे जाने का दावा करते रहते हैं। आलिया घोस्ट लाइट, आलिया रोशनी, जिसे मछुआरों द्वारा पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में पाया गया जो कि सुंदरबन में स्थित है। ये रोशनी मछुआरों के होश खोने और उन्हें भ्रमित करने के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि इस रोशनी से भ्रमित होकर अक्सर मछुआरे उनके निकट जाने की कोशिश करते हैं और दलदल में डूब जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये रोशनी उन मरे हुए मछुआरों की है जो दलदल में फंसकर अपनी जाने गंवा दी। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये रोशनी अक्सर रात के समय दिखाई देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार दलदली इलाकों में अक्सर मीथेन गैस बनता है जो किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में आकर जलने लगती है, जिस कारण से इस तरह की रोशनी दिखाई दे सकती है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।